मुंबई आई एम गोइंग टू गिव सरप्राइज टू माय फैमिली एंड फ्रेंड्स आई एम गोइंग टू पाकिस्तान ऑन 12 अक्टूबर बताना नहीं किसी को 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह तो भाई हमने सोचा पाकिस्तान चलते हैं सरप्राइज देते हैं पाकिस्तान का टिकट करवा लिया 12 अक्टूबर को जा रहे हैं एक शादी भी अटेंड करेंगे लेकिन वीडियो देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक और लोगों में फैला दे भाई अनस का देखा करें व्लॉगिंग बहुत फिट बनाता है बहुत फिट राजा जी काइंडली से सब्सक्राइब करें जब इतना नेट खर्च करते ही हो तो इसे सब्सक्राइब भी दो खानदानी गरीब है वो तो गलती से अमीर हो गए थे तो भाई सबसे पहला स्टेप था कपड़े लेने भाई के पास कपड़े नहीं थे भाई बहुत ही गरीब था खैर मैं चला गया अलैन रोड पे आउटलुक मॉल तो भाई आउटलुक मॉल पे मैं गया स्प्लैश के अंदर वहाँ पे मैंने ली दो जीन्स दो टी शर्ट दो कैजुअल शर्ट और मेरे पैसे लेके 237 दिरहम ओनली भाई अच्छा ब्रांड है ब्रांडेड आपको कपड़े मिल जाते हैं और मुनासिब पैसे हैं तो भाई हमने चिलर अपने इकट्ठे किए बिल पे किया और फिर हम जाने लगे बाहर की तरफ पैसे हमने डाल दिए बटवे के अंदर दिखा रहे हैं आपको कुछ कपड़े एक दुकान स्प्लैश अंदर से लगती है ऐसी है डिफरेंट ऑफर्स इनकी लगी हुई होती हैं एक जीन्स 50-60 दरम की टू जीन्स लेंगे तो कुछ डिस्काउंट मिल जाता है 80-90 दरम्स की हो जाती है इस तरह है तो मतलब अच्छा ब्रांड है मुझे काफ़ी अच्छा लगा वैरायटी ऑफ क्लोथ्स है इधर और आप जो चीज़ चाहें वो आपको मिल जाती है तो भैया हम गए आउटलुक मॉल से हम बाहर निकले मामा बोले देखो बेटा वो आ गया छोटे छोटे पीसेस करके लुटेरों को खा गया ऐसे शो के जैसे तो मुझे पता ही नहीं है भाई वीडियो बन रही है मेरी मैंने मुझे नहीं पता वीडियो बना रहे रूम में आए वापस अपनी चीज़ें वगैरह समेटी बैग बनाया मैंने कपड़े वगैरह रखे और ये मैंने अंदर छुपा के खाने के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें रख ली रात को तकरीबन 2 बजे और 2:15 बजे घर से निकला और एयरपोर्ट जाना शुरू किया स्लो में सॉरी सॉन्ग बनता है इधर अभी कल की तो बात है सब बोले मुझे हमने तेरे साथ है फिर समझ लोगों के बाद जी सॉन्ग के बाद हम चले आस्ता आस्ता अपनी गाड़ी की तरफ गाड़ी में जाके बैठे गाड़ी की छत खोली और फुल ऑन शोफी मारते हुए हम निकलते हैं शारजा की तरफ क्योंकि मेरी फ्लाइट थी शारजा टू इस्लामाबाद और 2:30 बजे तकरीबन मैंने एयरपोर्ट पहुँचना था 2:30-3 बजे के करीब तो मैं पहुँच गया था रस्ते टाइम में क्या व्यू था भाई इस पे एक सैड या रोमांटिक सॉन्ग तो बनता रोमांटिक गाना पहुंचा सिगरेट की तलब हो रही थी तो हमने कहा चलो स्मोकिंग एरिया चल के सिगरेट पी लेते काफ़ी अच्छा और साफ सुथरा था बोर्डिंग होने में काफ़ी टाइम लगा 1.5 घंटा लग गया मुझे बोर्डिंग करवाने के बाद भी मैं चला गया ऊपर विंडो शॉपिंग करता रहा तो एकदम राजा जी की नज़र पड़ी घड़ियों के ऊपर हाँ आप भी देखें क्या घड़ियाँ थी भाई घड़ियाँ तो वैसे हमारी ठरक है देख कर आल टपकने लग जाती है खैर हम घड़ियों की देखते रहे तरसी निगाहों से उसके को देखा तो उसके अंदर से 20 दरम पड़ रहे थे भूख भी लग रही थी तो 11 दरम का मैंने बर्गर और बॉटल ली और उससे लेकर मैं आगे टेबल के ऊपर कचर कचर करके खाया पेट भरा साथ ही शॉप थी उधर चला गया उधर काफ़ी सारे डेकोरेशन पीसेस पड़ रहे थे मैं कहा यार अच्छे लग रहे हैं इसकी थोड़ी वीडियो बना लेते मतलब मत इधर पड़े हुए थे डिफरेंट फेसेस के कैमल वगैरह के छोटे स्टैचू डेकोरेशन पीसेस भाई जहाज से बैठने का ऐलान हो गया मगर ये लोग आगे से हट नहीं रहे थे मैंने व्लॉग करो मैंने वीडियो बना ली थी मगर इन्हें क्या खैर जहाज़ के अंदर बैठ गया मैं और भाई नींद से हालत बुरी थी आँखें लाल थी अच्छी खासी जैसे वो होता है ना कुर्बानी वाले जानवर को 2 दिन पहले ही छुरियाँ नज़र आने लग जाती हैं तो अपना भी कुछ ऐसा ही सीन था बॉस 2 दिन पहले ही घर नज़र आने लग गया था एक्साइटमेंट में नींद ही नहीं आ रही थी 3-3.5 घंटे से ज़्यादा मैं सोया ही नहीं था खैर व्यू बड़ा अच्छा है मैं डिस्टर्ब नहीं करता इस पर एक अच्छा सा रोमांचिक गाना हो जाए गाना सुनते हैं उसके बाद मिलते हैं इसलिए हमने गाना लगाया खैर हम लैंड किए पाकिस्तान हाँ पाकिस्तान भाई पिंडी के हम हैं सारी ज़िंदगी पिंडी में गुजारी है कुछ महीने पहले हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे लेकिन भाई हम खालिस प्योर पिंडी बॉय हैं
पिंडी बॉय आपको कोई रंग नस्ल की तरफ नहीं लेके जाता। आप चाहे कुरैशी हैं, मलिक हैं, सत्ती हो रही हैं, राजा हो रही हैं, वट एवर यू आर, यू आर ओनली पिंडी बॉय। सो आई एम पिंडी बॉय। खैर वहाँ पहुँचा, मैंने दोस्त को फ़ोन कर दिया था भाई कि वो मुझे लेने आएगा। शर्म शर्म में उसने भी कहा लेने आऊँगा, मैंने भी कहा आ जाइए। तो 10 बजे फ्लाइट लैंड हुई और भाई मेरे लेने आए 12 बजे। तो और दोनों का सबक ऐसे हुआ था भाई, ना तुम हामी भरना किसी को ले जाने के लिए, ना तुम हामी भरना किसी को बुलाना। खैर भाई से गले लगे, सीने पर ठंडक पड़ी। 6 महीने बाद दोस्त से मिले। घर की तरफ सफ़र रवा दवा था, हम जा रहे थे आस्ता आस्ता। तो एकदम दोस्त का ख्याल आया, भाई ये तूने हालत क्या बना रखी है। तो उसने कहा भाई तुम भी शादी करोगे तुम्हें भी पता चलेगा, मतलब इतने ना खुश हो भाई, भाभी को बताना पड़ेगा। खैर घर हम पहुँचने वाले थे और पूरा प्लान था आप ही के साथ मिल के छोटों को सरप्राइज़ देना। छोटा भी स्कूल से और एकदम भाई 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 आ गए, भाई आगे का नारा लगता हुआ मेरे गले लग गया। सानू बड़ा सुकून मिला, उसके बाद छोटी बहन आई। मतलब ये थी जी छोटी सी स्टोरी। खास से बाइक चलाते हुए फुल एक नशे और कैफियत की हालत में हम पिंडी की सड़कों में मोटरसाइकिल दौड़ा रहे थे, कटिंग कर रहे थे, सीढ़ियां मार रहे थे और मजा आ रहा था। यस आई एम अ पिंडी बॉय बिच आई गॉट अ प्राइड, आओ कर रहा हूं तुम्हें 70 की राइड। आई एम अ पिंडी बॉय बिच आई गॉट अ प्राइड।